か、いつか見て、見て、見て、やれやつ、やれやつ、ये भी नहीं है, इसको भी ये हमारे एक लो हम लोग का देश का नहीं है, इम्पोर्टेड भी नहीं है, इम्पोर्टेड कुछ भी नहीं है। इसको भी काटना है, उसमें देख देना, इसमें भी नहीं है, हार दीजिए। ये भी इम्पोर्टेड नहीं है, बनी आओ नेता ट्रैफिक पीछे में। हेलो हेलो, ये कुछ भी नहीं है। हेलो बनी, पूरा लेके चले जाइए पार्क में। निकाल लीजिए, इसका भी, इसका भी, इसका भी नहीं है। इसका बिल है आपके पास? ये मालिक है, बिल है तो इसका आपने क्यों किया? ये तो इम्पोर्टेड नहीं है, हमारा देश का नहीं है। देख लीजिए पहले, देख लीजिए तो कहाँ पे? हाँ देखा, कहाँ पे? कुछ उसका हो सकता है, देख लीजिए। देखा ऐसे हेलो बनी आता है तो आगे आता है, तो उस पर क्या लगा था? इसको ही काट दीजिए, इसको मार पिलाइए। Thank you.
कति दुई तिन लिटर आउँछ हामी ल्याउन त अब हामी लान्छ नि त तलाई ठुलो भित्र पुरा हाल्नु जो अघि ठुलो देखिन्छ त उत्तर हुन्छ हामी हामीले ल्याउ भेट्यो नि त डेली लान्छ पोकी 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 झोला दिनु प्लाजा बेकारी का था ये देखिए इसका 22 में एक्सपायर हो गया 4/22 में एक्सपायर हो गया और इसको देखिए इसका जितना है ये 18 जुलाई मैन्युफैक्चरिंग है ये 3 साल पहले एक्सपायर हो गया 3 साल से ज़्यादा हो गया एक्सपायर हो गया इसमें जितना सा सामान है सब एक्सपायर हो गया और अभी भी मक्खी छूचो क्या बोलते हैं कॉकरोच वो सब उधर पर दिखता है मैंने उधर पर रह रहा है आ जाइए सब आ जाइए म्यूनिसिपलिटी से आप भी लोग आ जाइए हमारा सब आ जाइए आ जाइए आ जाइए धन्यवाद उसके बारे में थोड़ा जानकारी आज हम लोगों को रिपोर्ट मिला था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट हम लोग जो माने चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं हम लोग जो फॉरेन प्रोडक्ट जो इम्पोर्टेड ड्यूटी देके नहीं आते थे वो बंद कर दिया था दार्जिलिंग में फिर भी वो कॉम्प्लेन आया था कि अभी भी चल रहे हैं ऐसा प्रोडक्ट माने पुराना जो प्रोडक्ट था पुराना जो स्टॉक था उन लोगों ने अभी निकाल के फिर से बेच रहे थे ऐसा वाला चीज़ जो है ये जो है मेड इन नेपाल है ये जो है ये सब मेड इन नेपाल है देखिए इसमें मेड इन नेपाल और कोई चीज़ भी नहीं है वो जो होना चाहिए इसमें इम्पोर्टेड ड्यूटी देके होना चाहिए वो नहीं है गवर्नमेंट का बहुत छुट्टी हो रहा है हमारा कृषि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ने रेजोल्यूशन हुआ था उसी वजह से हम लोग ये काम कर रहे हैं और आज जो मिला उन लोगों को सतर्क कर दिया उन लेकिन हम लोगों ने पिनल एक्शन कोई कुछ भी नहीं लिया अभी तक जो मिला हम लोग उसको डाम किया उन लोगों को सतर्क किया मैंने वार्न किया कि आप लोग आगे से ऐसा मत कीजिएगा हम लोग 100% पहले हो गए थे फ्री अभी भी ये प्रॉब्लम हुआ और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे इधर पर बेकारी प्लाजा बेकारी उसमें जाके हम लोग बहुत माने अनहाइजीनिक चीज़ मिला उधर पर और उधर पर जो मिला सब कुछ एक्सपायर हो गया था ऐसा चीज़ मिला और दीजिए ये एक्सपायर हुआ चीज से वो लोग केक वगैरह खिला रहे थे सब कुछ जब जितना मिला वो देखिए नीचे आप लोगों को दिखेगा वो भी दीजिए इतना हुआ ये सबसे बना रहे थे उधर का जो एम्प्लॉय जो था वो बोल रहे थे वो 7 दिन हुआ आए इससे वो 7 दिन से सिर्फ यूज़ कर रहे हैं शायद ये चीज़ खाने से तो बहुत लोग बीमार हो जाएगा और प्रॉब्लम होगा एक्सपायर चीज़ रखना तो ऐसे ही गलती है इसलिए हम लोग उनके गेस्ट में जॉइंट जो कार्रवाई किया है म्यूनिसिपलिटी के साथ और फूड सेफ्टी के साथ आज इधर पे जॉइंट इंस्पेक्शन म्यूनिसिपलिटी और फूड सेफ्टी के साथ किया है उनके गेस्ट में हम लोग जो एक्शन लेना है बाद में आप लोगों को बता देंगे
कितने डिपार्टमेंट से आपके पास? हम लोग आज 3 डिपार्टमेंट से हैं। कंज्यूमर अफेयर्स, म्यूनिसिपलिटी, फूड सेफ्टी। अवेयरनेस का भी जरूरत है इसलिए। हाँ हाँ, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अवेयरनेस के लिए हम लोग मीटिंग भी कर चुके हैं, पदकोशाली से मीटिंग किया है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके साथ मीटिंग किया हुआ है, और जो क्या बोलते हैं मत्स्योग जो है उनसे भी किया है, और हम लोग हर वीक में एक दो बार तो आके ही बोलते हैं, उन लोगों को बोल के जाते हैं आप लोग ऐसा मत कीजिए ऐसा मत कीजिए, सब दुकान को बोल के जाते हैं, फिर भी उन लोगों को जो वेंडर व सेलर्स जो है वो उन लोगों को लालच दिखाते हैं कि हम लोग आपको कम पैसा लेंगे, आप लोग ये सामान रख लीजिए बेच दीजिए, ऐसा बोल के ये लोग को भी लॉस हो रहा है, हम लोग को जो इधर का लोकल पीपल है उन लोग को बहुत लॉस हो रहा है, और बीमार होके वो खा के हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, हॉस्पिटल में तो जगह ही नहीं है, कैसे भर्ती होगा? ये सिर्फ टाउन में होगा या म्युनिसिपैलिटी एरिया में भी होगा या और? इसलिए पूरा डिस्ट्रिक्ट में होगा। सिंगामारी ये सब एरिया में आप लोग किए हैं? सिंगामारी में अभी तक नहीं गए, तो अभी पंचायत इलाका ये तो सारे जगह ये प्रोडक्ट बिक रहा है। हाँ, तो सिर्फ बाजार में बंद करने का लक्ष्य है आप लोगों का? नहीं नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट में बंद करने का लक्ष्य है। तो उसके लिए आप लोग क्या फर्दर स्टेप लेंगे? फर्दर स्टेप लेंगे, हम लोग रेगुलर कर लेंगे, हम लोग जा भी रहे हैं अभी डीएम सर से मिलने के लिए, क्या बोलते हैं, रेजुलेशन के लिए डीसीपीसी मीटिंग होगा तो नेक्स्ट, और हम लोग कारशेंग में भी किए हैं, कारशेंग में भी एजू साहब भी था, बाजार कमेटी था, उनके साथ मीटिंग भी किए हैं। ये आम जनता का कहना है कि प्लास्टिक बैन कर दिया गया है, तो सिर्फ ठेला वाले और ये दुकान वाले का बैन किया गया है, लेकिन ये जितना भी पैकेट फूड है सब प्लास्टिक में आ रहा है, उसके बारे में क्या है सर, इससे थोड़ा जानकारी? जो प्लास्टिक फूड है अभी जो होगा वो बायोमेट्रिक, अभी तो कोई गाइडलाइन नहीं आया है कि प्लास्टिक फूड का जो होगा, वो गाइडलाइन आने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा, अभी तो हम लोगों के पास भी कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये जो चिप्स वगैरह बेचते हैं, ये जो चिप्स वगैरह बेचते हैं ये चीज़, कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल रहे, जो चिप्स वगैरह बोलते हैं उनका क्या क्राइटेरिया है, वो लोग माने वो बेच नहीं पाएगा, ऐसा कोई ऑफिशियल गाइडलाइन अभी तक नहीं आया, तो आने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। आज जो तपाईँले सिजहरू गर्नुभयो नि त्यसको विषयमा अलिक जानकारी दिनु। खासमा चाहिँ डाइरेक्टरले पक्रिनु भएको रहेछ है, अन्त चाहिँ हामीलाई कल गरेर आउँदाखेरि चाहिँ ऊ एकदमै 2018 मतलब एक्सपायर भइसकेको रहेछ, अन्त मैले सोधेँ यो चाहिँ कहिलेदेखिको दोकान हो भन्दा भर्खर नयाँ खोलेको अरे, तर सामान चाहिँ डल्लै एक्सपायर भएको 17-18 छ अब, अन्त अगाडिपट्टि उनीहरूको दोकान पनि छ, त्यो दोकानमा चाहिँ लगेर बेच्दो रहेछ उनीहरूले हो, अन्त अहिले हामीले उठाएर त दिएको छ, अब अफिसमा लान्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ। यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले सिज गर्नुभएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु? चाहिँ यो त अब अफिसमा लान्छ, अफिसमा लगेपछि चाहिँ रिपोर्ट हुन्छ, त्यहाँदेखि उहाँको अहिले दोकान त बन्द गरिदिइरहेको छ हामीले, त्यहाँदेखि एक्सन लिन्छ होला बादमा के हुन्छ। ये देखिए मैंने हाथ भी धुआ है, हाथ से अभी तक नहीं जाना है खुद का, ये खाने से क्या होगा, डाइजेस्ट भी नहीं होगा। सुन्नुहोस् न, त्यो ट्रेड लाइसेन्सको इस्यु पनि आएको रहेछ कि, त्यसमा अलिकति के भन्नुहोस् के छ? अहिले चाहिँ फिलहाल ट्रेड लाइसेन्स चाहिँ अनलाइन भएको छ है, अनलाइन हुँदाखेरि चाहिँ आफू साइबरमा गएर बनाउनु, सपोज अब यो मानिलिनुहोस् यो अहिले नयाँ दोकान खोलेको, अब हामीले सोच्यौँ उनीहरूले दोकान मतलब लाइसेन्स बनाएको छ भनेर होइन, अहिले चेक गर्दा छैन रहेछ, फेरि उनीहरूले नयाँ खोलेको अरे भन्दैछ यो, तर खासमा चाहिँ हो भने चाहिँ अब उहाँहरूले गोडाउन, अब जस्तो एकजना मान्छेको दोकान भयो होइन, अब उनीहरूले गोडाउन खोलेको छ भने गोडाउनको पनि लाइसेन्स हुनैपर्छ हो, अन्त उनीहरू चाहिँ एउटा लाइसेन्समा दुईवटा चलाइरहेको थिएछ, त्यो चाहिँ हुँदैन, अन्त अब हामीले पहिला पनि हामीले लाइसेन्समा चेक गर्दै आउँदा भनेको, जसको लाइसेन्स हामीले पाउँदैन भेट्दैन उनीहरूलाई फाइन पनि गर्ने हामीले भएको थियो, तर अहिलेसम्म त्यो गरेको छैन, उनीहरूलाई हामीले टिभी वाइज हुन्छ कि या हामीले आफै कुदेर पनि हुन्छ कि, हामीले उनीहरूलाई चाहिँ भनि नै रहेको छ बारम्बारै, अब कति दोकान छुटिनु जान्छ होला हाम्रोबाट पनि, हामी पनि त्यत्रो डरलाग्दो उयो त छैनौँ, किनभने अहिले अनलाइन भएकोले गर्दा चाहिँ हामीले सबै उनीहरूले आफै गर्छ भनेर चाहिँ हामीले सोचेको, तर आफ्नो दोकानको हतियार त आफूले पनि बलियो त राख्नु पऱ्यो नि त, अब हामी मात्रै गएर भएन, उनीहरूले पनि त आफ्नो दोकानको लागि त मैले पनि केही गर्छु भनेर त उनीहरूले दोकान खोलेपछि त लाइसेन्स पनि उनीहरूको राख्ने त उनीहरूको अधिकार हो नि त, त्यो त सबै म्युनिसिपालिटीले नै भनिरहनु पर्ने काम त होइन खासमा त। एउटा लाइसेन्समा चाहिँ एउटा दोकान, एउटा लाइसेन्सले एउटा दोकान, जस्तो एउटा दोकानमा जस्तो भेराइटिज बेसी छ भने पनि उसको पनि एक एकवटा भेराइटिज वाइजकै लाइसेन्स राख्नुपर्छ खासमा चाहिँ, त्यसमा
अन्त यति भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू आफू पनि सतर्क भएर आफ्नो लाइसेन्सदेखि लिएर एक्सपायर यो एक्सपायर भएको सामानहरू आफूले नै चेक गरेर प्लिज आफै सतर्क भइदिनुहोस्, किनभने यो पब्लिकले खान्छ, हामी सबै जनताले खान्छ होइन। यो अब हामी त्यत्रो तपाईँहरूले टिभीमा हिमालय च्यानल सबैमा तपाईँहरूले न्युजमा हेरेर आइराख्नु भएको छ कि यो रेट भएको के भएको, आफै सतर्क भएन भने त भएन। त अब हामीलाई कति कुरा थाहा हुँदैन, हामीले अहिले हामीलाई थाहा भएर त हामी आयौँ। त्यस्तो त अब एक्सपायर त कतिवटा दोकानमा होला होला होइन। अब आफै नै सतर्क भइदिनुहोस् प्लिज, अब तपाईँहरूले जाने बुझी होइन यसरी नगरिदिनुहोस्, किनभने हाम्रै पब्लिकहरूले खान्छ। नेक्स्ट तपाईँको भिजिट कहिले हुन्छ? अब यो भिजिट त चार मतलब भइ नै रहेको छ नि, हामी ट्रेड लाइसेन्समा पनि हिँडिरहेको छ, उहाँहरू पनि गइरहेको छ, त्यो त भइरहेको छ भिजिट त। थ्याङ्क यू।